कैन नॉट कनेक्टिंग कुछ बता रहा क्या? चलिए, गुड इवनिंग क्लास। सभी बच्चे बताइए बेटा, वॉइस स्क्रीन सब क्लियर है क्या? अर्जुन, आशीष, अर्पित, सभी बच्चे बताइए बेटा। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है बेटा, ओके। चलिए ठीक है। सौम्या जैन, वीरेंद्र भारती, तरुण पांडे, भूपेंद्र पटेल, वेरी गुड इवनिंग। चलो बेटा, सभी लोग आ जाओ जल्दी से, फिर हम बिना विलंब के क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। अर्जुन पटेल क्लियर है? ओके बेटा, ठीक भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है अर्पित, आ गए। चलिए स्टार्ट करें। नीरज, लोवंशी, नमस्ते। तो भैया, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की, क्योंकि 8 नंबर का तो आपको पता ही है, विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले फीस, कल हमने देखा था 6 और 7 चैप्टर साथ में देखे थे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 की, जिसका वेटेज है 5 अंक, और इस 5 अंक को 2 भागों में बांटा है। यहाँ से 3 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आएगा जो कि रहेगा भैया 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पर आपको 2 अंक का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, साथ ही 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, बकरी पालन, गोट फार्मिंग में। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ओके भैया, चलिए। तो पहला प्रश्न है भैया, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। जनरली यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन वर्गीकरण से पूछे जाते हैं भैया, कि बकरियों के दुधारू नस्ल का नाम बता दीजिए, मांस वाली का नाम बताओ, कोई दो बोझा ढोने वाली का बताओ, ऐसी 2 नस्ल का नाम लिखो जो पश्मीना ऊन मिलता है। तो उद्देश्य के आधार पर यहाँ से प्रश्न बनता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट। तो यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट के बात अगर हम करें, तो बकरियों में नस्लों का जो वर्गीकरण है, मिल्च ब्रीड, दुधारू नस्ल के बारे में पूछा गया है। इन नस्लों को पालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है भैया, दूध प्राप्त करना। अब मिल्च है तो दूध ही देगा भैया, हाँ, कि किसी और के लिए पाल लोगे? मिल्च ब्रीड है, इट मीन्स कि भैया वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए उनका यूज़ हो रहा है। तो दुधारू नस्लें, इन नस्लों को पालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, दूध को प्राप्त करना होता है। सभी बच्चे जो लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, जल्दी से सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक तो पहुँचाने का काम करिए आप। ओके गौरव, गुड इवनिंग। हेमेंद्र, ठीक है बेटा, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर कर दीजिए लिंक को, और आप सभी लोग जितने क्लास में जुड़े हैं, प्लीज़ इसको बेटा लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सके। तो मिल्च ब्रीड दुधारू नस्ल की बात करें, तो इसके अंतर्गत जो ब्रीड्स आ रही बेटा, जमुनापारी, बरबरी, बीटल, मेहसाना, सुरती, सिरोही, सानेन, इत्यादि नस्ल आ रही है। अगर हम इसमें देखें यहाँ पर, तो सानेन की अगर बात की जाए बेटा, तो सानेन के सम्मान में एक शब्द लिखा गया है, सानिन के सम्मान में एक शब्द लिखा गया है। सानिन की अगर हम बात करें, तो इसको मिल्क क्वीन, मिल्क क्वीन इट मीन्स दूध की रानी के नाम से जाना गया है, मिल्क क्वीन और दूध की रानी इतने नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी सानिन है, इसलिए इसको मिल्क क्वीन, दूध की रानी के नाम से जानते हैं। और प्रश्न आ जाए भारतीय बकरियों में, भारतीय बकरियों में सर्वाधिक दूध अगर पूछ लिया जाए, तो जमुनापारी भी है और बर्बरी भी है, लेकिन आपको कक्षा 12वीं के स्टैंडर्ड में अगर जाना है, तो जमुनापारी को लगाना है बेटा। ठीक, तो 2 दुधारू नस्ल के नाम पूछे जाए, ऐसी नस्ल जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है, दूध के लिए, तो आप यहाँ से बता सकते बेटा, एक तो सानेन और एक जमुनापारी। अब इसको आप बहुत अच्छे से लर्न भी रख सकते हो। ठीक है, अगर हम दुधारू नस्ल की ट्रिक देखें यहाँ पर बेटा, ठीक, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रखना, सुरती क्वीन, सुरती क्वीन जब बाटल में, सुरती क्वीन जब बाटल में दूध लाती है, तो हीरोइन सी लगती है।
सी लगती है। इस ट्रिक से आप, मजेदार ट्रिक है, इस ट्रिक से सारे नाम आ गए भैया, इस ट्रिक में सारे नाम आ गए ब्रिट्स के। चलिए देखते हैं, पहला नाम है सुरती, क्वीन, तो क्वीन किसको कहा हमने, सानेन को, ये लिख दिया भैया मैंने, सानेन हो गया यहाँ पर। ठीक है, जब से दो नाम बनेंगे, एक हो गया आपका ज से जमुना पारी, ब से हो गया भैया आपका बर्बरी, और बाटल से हो गया भैया बीटल, ये हो गया आपका बाटल से बीटल। ठीक है, दूध लाती है, इट मीन्स ये सारी दूध उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जा रही है। हीरोइन सी लगती है, हीरोइन सी लगती है मतलब सिरोही। तो इस मजेदार ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो बेटा। ठीक है, तो जितनी भी मिल्क क्वीन है, दुधारू नस्ल है, आप इनको इस ट्रिक से याद रख सकते हो। दो नस्ल आपसे पूछी जाएगी परीक्षा में, लेकिन आप चार भी लिख दोगे तो बढ़िया है, कोई आपका नंबर नहीं काटे जाएंगे, लेकिन लिखना सही। अब तुम इसमें ब्लैक बंगाल लिख रहे हो, मारवाड़ी लिख रहे हो, मुर्रा लिख रहे हो, तो गलत हो जाएगा। बकरी पूछा, भैंस लिख रहे हो, गाय लिख रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो भैया ये ट्रिक से याद रहेगा आपको, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं ट्रिक में मज़ा आ गया आपको। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, मज़ा तो आएगा ही, लास्ट तक जुड़े इस चैप्टर में, बहुत आनंद आने वाला है आपको। ठीक है, अमन सिंह नमस्ते। तो दुधारू नस्ल का ये ट्रिक है बेटा, कौन सी क्वीन है बेटा, सुरती क्वीन है। अब हीरोइन है, रानी है, तो तुम्हारी तरह थैली में थोड़ी दूध हिला के ले गई। ठीक है, राहुल शर्मा जी, रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर आने के चांस है बेटा। चलिए, तो सुरती क्वीन जब बाटल में दूध लाती है तो कैसी लगती है बेटा, हीरोइन सी लगती है। तो इट मीन्स सारी ये दुधारू नस्ल इस ट्रिक में कवर हो गई, और आपको उद्देश्य के आधार पर दो नस्ल पूछी जाएगी, आप लिख देना बेटा। अमन सिंह, ये चैप्टर नंबर 9 है बकरी पालन, जिसका वेटेज 5 अंक चल रहा है, जिसमें हमने अभी एक दो नंबर में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि बकरी की दो दुधारू नस्ल के नाम लिखिए। तो मैंने नाम भी स्पष्ट बता दिया, सानेन जमुनापारी तो आपको याद ही रखना है, उसके अलावा आप इतने सारे नाम भी इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सुरती क्वीन है जब बाटल में दूध लाती है तो कैसी लगती बेटा, हीरोइन सी लगती है। आओ आगे देखते हैं, अगली बात है मांस वाली, ऐसी ब्रीड्स जो मीट प्रोडक्शन के लिए जिनको रेयर किया जाता है। एक बात और ध्यान से सुन लेना, बकरी को मुख्यतः किसके लिए पाला जाता है, तो बकरी को जो मुख्यतः पाला जाता है, मेन रेयरिंग की जाती है वो मीट प्रोडक्शन के लिए ही की जाती है। बकरी को जो मुख्यतः पाला जाता है वो मांस उत्पादन के लिए ही पाला जाता है, मीट प्रोडक्शन के लिए ही पाला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है भैया, तो इसके अंतर्गत ब्लैक बंगाल, गंजम, आश्रम हिल, गद्दी, मालाबारी, ओस्मानाबादी, जलालाबादी, कच्छी, फ्रीजन आदि जातियाँ आती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर रेयरिंग द ब्रीड्स इज प्रोडक्शन ऑफ मीट, मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, और बकरी का जो मांस होता है वो क्या कहलाता है बेटा, चेवन कहलाता है। ठीक है, बकरी का मांस चेवन कहलाता है, गाय का बीफ, भैंस का बफन, भेड़ का मटन, सुअर का पोर्क, सुअर का नमकीन मांस बेकन, सुअर का सूखा मांस हेम्प, वसा रहित मांस लीन, हिरण का मांस वेनिजन, बछड़े का मांस विली, ऊंट का मांस डेक्कन। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे नाम हैं, पर आपको बकरी के मांस पूछा जाए तो दैट इज चेवन। अब भैया ब्लैक बंगाल, गंजम, आसम हिल, ये सब कौन सी नस्ल है मीट प्रोडक्शन के लिए, तो इसकी भी ट्रिक लिख रहे हैं अपन, इस ट्रिक से आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए, ब्लैक बंगाल को गंजा करके, ब्लैक बंगाल को गंजा करके कच्ची को फ्राई करके मौज से असम हिल पर गद्दी लगाकर मांस खाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस ट्रिक में सारे नाम हो गए। सर पीएटी का क्रेश कोर्स कब से चालू हो रहा है, पीएटी का क्रेश कोर्स 12वीं परीक्षा के एक दिन बाद चालू कर देंगे बेटा। विजय तू परेशान मत हो मेरे बच्चे, ठीक है, बस तू नंबर सेव कर ले,
MGCI के 9823612400, परीक्षा के बाद इस पे फ़ोन कर देना 9823612400, ठीक है। और अभी नई बैच चालू हुई है अगर PAT की तैयारी करना बेटा, तो चलिए तो इस ट्रिक से आपको ध्यान से लर्न करना है, सारी बातें अपन एक एक करके देख रहे बेटा, ठीक। चलिए आकांक्षा, ओके बेटा अनमोल, चलिए सभी लोग देखें तो ट्रिक क्या बोल रही बेटा, मांस के लिए बात करना है। तो मांस के लिए कौन सी नस्ल यहाँ पर आ रही, ब्लैक बंगाल, ठीक है। तो ब्लैक बंगाल एक नस्ल है, को गंजा करना है। आप जनरली बकरी का मांस खाते हो तो डायरेक्ट उठा के क्या कढ़ाई में डाल दोगे क्या, कि बोलो चलो बकरी का मांस बनाएंगे, उठा के कढ़ाई में डाल देते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होता बेटा। बकरी का जब भी मांस बनाते हैं तो उठा के कढ़ाई में नहीं फेंकेंगे, सबसे पहले उसके बाल हटाएंगे। इट मीन्स अपन उसको क्या करें, गंजा कर रहे हैं। तो ब्लैक बंगाल को क्या कर दो बेटा, गंजा। तो गंजा से क्या बन जाएगी आपकी, गंजम, ठीक है। गंजा से क्या बन जाएगी आपकी, गंजम, ये रही, ठीक है। कच्ची, अब जब भी मांस बना रहे तो कच्ची खाओगे कि पकाओगे, अरे मांस को कच्चा खाओगे क्या, नहीं बेटा। तो कच्ची, तो कच्ची क्या है बेटा, नस्ल ही है, कच्ची नस्ल है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, ये रहा, ठीक है। तो जो कच्ची नस्ल है, ये रे भैया कच्ची, तो कच्ची को क्या करेंगे बेटा, फ्राई करेंगे कि कच्ची खा जाओगे, बकरी रास्ते में देखी पकड़ के खा जाओगे, अरे फ्राई करोगे कि नहीं, रोस्ट करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो बकरी को क्या करना बेटा, फ्राई करना पहले। तो फ्राई करना मतलब फ्रीजियन, कहाँ है फ्रीजियन अपने पास, इधर इंग्लिश वालों तुम्हारे लिए, ये रहा फ्रीजियन, ठीक है। तो कच्ची को क्या करना बेटा, फ्राई करना है। अब फ्राई हो गई है तो मौज मस्ती हो जाएगी तुम्हारी, तो मौज हो जाएगी, मौज कर दोगे तुम लोग, मतलब एम से क्या हो जाएगा बेटा, एम से अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएगा मालाबारी, मालाबारी, ओ से हो जाएगा बेटा ओस मानाबादी, और जे से हो जाएगा जलालाबादी, जलालाबादी, ठीक है। आसम हिल, आसम हिल है बेटा पहाड़ है। अब पहाड़ पट्टी में है तो भैया उबड़ खाबड़ जमीन होगी, तो वहां पर क्या लगाओगे, गद्दी, गद्दी बिछाओगे कि नहीं बिछाओगे, कि पहाड़ पे बैठ जाओगे, आसम हिल है। अब पहाड़ी एरिया, हिल तो हिल्स का मतलब पहाड़ होते हैं, तो वहां पर क्या लगा लेंगे बेटा, चटाई बिछाओगे, गद्दी, गद्दी लगा ली और क्या खाओगे, मांस खाओगे। तो ये होगी बेटा मांस वाली नस्ल, क्या क्लियर है सबको। दुधारू में हमने पढ़ा था, सुरती क्वीन जब बाटल में दूध लाती है तो हीरोइन सी लगती है। इधर हम देख रहे बेटा मांस वाली में, तो ब्लैक बंगाल को क्या कर दिया अपन ने, गंजा कर दिया। कच्ची को क्या कर लिया भैया, फ्राई कर लिया, ठीक है। भावेश सिंह वास्केल, PAT की नई बैच चालू हो चुकी बेटा 20 दिसंबर से, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो और उसके लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। और मौज से भैया मांस बन गया तो मौज मस्ती के साथ, एम से हो गया मालाबारी, ओ से हो गया ओस्मानाबादी, और जे से हो गया जलालाबादी। और कौन सी हिल पे ले गए, आसम हिल पे पार्टी चल रही है, और आसम हिल की पार्टी में गद्दी पर बैठ कर मांस खा लिया। तो ये होगी बेटा मांस वाली, दुधारू हो गई, मांस वाली हो गई। आओ आगे बात करें, द्विकाजी, ठीक है। तो द्विकाजी मतलब जो दोनों काम करें, मिल्क प्रोडक्शन का भी काम करें, ठीक है बेटा, और मीट प्रोडक्शन का भी काम करें, जो दूध उत्पादन और मांस उत्पादन दोनों के लिए पाली जाती है उनको हम बोलते हैं द्विकाजी, ठीक है, दोनों उद्देश्य के लिए पाली जाती है। तो सर्वोत्तम जो द्विकाजी नस्ल है भारतीय नस्ल में, भारतीय नस्ल में अगर हम देखें सर्वोत्तम जो है तो जमुनापारी, जमुनापारी को आप द्विकाजी में लिख सकते बेटा। दूसरे नंबर पर आप यहां पर लिख सकते बर्बरी या बीटल, या बीटल, ठीक है, सुरती भी लिख सकते हो यहां पर। चलिए तो ये बात हुई बेटा भारतीय नस्ल की, जो कि दोनों उद्देश्य के लिए पाली जा रही, जैसे कि जमुनापारी, बर्बरी, बीटल और सुरती, ये कैसी नस्ल है, तो द्विकाजी नस्ल है, समझ गए। इसको याद रखना, आपको दो ही नस्लें याद रखना, इसलिए छोटी ट्रिक लिख रहा हूं आपके लिए, जमुना तेरी सूरत बार बार झांकने वाली, जमुना तेरी सूरत बार बार, बार बार झांकने वाली, ठीक है, जमुना तेरी सूरत बार बार झांकने वाली। तो जमुना से क्या बना दोगे बेटा, जमुना से जमुना पारी बना दोगे, जमुना से बन गई आपकी जमुना पारी।
तेरी से टेलीचेरी कोई काम की नहीं, आप मत याद रखना। सूरत से आप बना देना सूरती, बार बार से बना देना बेटा बरबरी, ठीक है। झांकने वाली से बन जाएगा झकराना, ठीक है। तो आपको दो ही नस्ल याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। तो जमुना तेरी सूरत बार बार झांकने वाली, ठीक है। अब क्यों झांक रहे बेटा, तो दोहरे उद्देश्य से दोनों काम हो जाए तुम्हारे, ठीक है। चलिए तो इस ट्रिक से आप लर्न रख सकते हो। तो हमने यहाँ पर दुधारू देख ली, मांस वाली देख ली, और द्विकाजी देख ली। ऊन या पश्मीना या रेशा या फाइबर वाली, ठीक है। ऐसी ब्रीड्स जो रेयरिंग की जा रहे ऊन के लिए या फाइबर के लिए, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपको एक ही नाम याद रखना, पश्मीना या काश्मीरी, ठीक है। पश्मीना या काश्मीरी, और दूसरी जो प्रमुख है वो है चेंगू। ये दो प्रमुख नस्ल है बेटा, ठीक। आगे इनके अभी हम चित्र भी देखने वाले हैं, तो चित्र से भी आप देख लोगे। हाँ ये भी ठीक है, हाँ। फनी ट्रिक से बस इन्हीं से याद रखना बेटा, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चेंगू है और काश्मीरी या पश्मीना, ये दोनों नाम ही बेटा, पश्मीना से जो पश्मीना निकलता है इसका यूज़ पश्मीना शाल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में जो पश्मीना मिलता है वो चेंगू से मिलता है। कौन सी नस्ल से? चेंगू से। सबसे ज़्यादा पश्मीना से मिलता है, जिसका उपयोग पश्मीना शाल बनाने में किया जाता है। उसके बाद चेंगू, उसके बाद गद्दी है, चंगा है, फिर अंगोरा, चंबा, ये सारे हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो ये बात हुई बेटा ऊन वाली की। अब कुछ बकरी की ऐसी प्रजाति जो भार ढोने का काम करती, तो गद्दी और चंबा। अब जिसके ऊपर गद्दी होगी उसी पे तो भार रखोगे, तो जो गद्दी है और चंबा है ये बोझा ढोने का काम करते हैं। और गद्दी बकरी 10 किलोग्राम तक भार उठाकर पहाड़ी क्षेत्र में चल सकती है। 10 किलोग्राम तक भार उठाकर पहाड़ी क्षेत्र में चल सकती है, ध्यान रखना भैया। तो गद्दी और चंबा बोझा ढोने का काम करते पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, धन्यवाद भाई। तो आप लोग भी बेटा जो इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरे लोगों को भी इंटरेस्ट दिलाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है पटेल साहब खरगोन जिले में फैला दो उसको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंटरेस्ट दिला दो, ठीक है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब भैया यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर में हमने जो क्लासिफिकेशन था वहाँ से, कभी भार वाली पूछ लेता है, कभी बोझा ढोने वाली पूछ लेगा, कभी दुधारू, कभी द्विकाजी, कभी मांस वाली, तो ट्रिक से आप याद रख लेना। अब यहाँ पर जो आपको बहुत सुंदर बकरी दिखाई दे रही है, दैट इज जमुना पारी, ठीक है। आज तक आप किताबों में पढ़ते आ रहे जमुना पारी, जमुना पारी, ये रही जमुना पारी। पोरा पारी नहीं है, मोड़ा मोड़ी नहीं है, जमुना पारी है। अब जमुना पारी की बात करें तो जमुना पारी भारत की सबसे बड़ी एवं जादुई बकरी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है। इसको मिरेकल बोला गया। क्यों मिरेकल बोला गया? इसकी खासियत के कारण ये प्रसिद्ध है बेटा। जमुनापारी जो नस्ल है इसकी खासियत के कारण भारत में प्रसिद्ध है, और भारतीय बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है, इसलिए इसको जादुई बकरी कहा गया। भारतीय बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। प्रतिदिन 2 से 3 किलोग्राम दूध देती है, जिसमें 4.5% वसा होता है। ये क्या है? गाँव वाली है बेटा, घूमना फिरना इसको अच्छा लगता है, घुमक्कड़ है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जाती है, इसलिए इसको ग्रामीण बकरी, रूरल गोट के नाम से भी हम जानते हैं, या घुमक्कड़ बकरी भी कहते हैं। इसका जो रंग होता है सफ़ेद कत्थई होता है, देख रहे हैं आप, सफ़ेद से कत्थई रंग। ये आप देखो, ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी रेड रेड दिखाई देती है फीदर्स पर। तो इसका जो रंग है आप देख पा रहे हैं, सफ़ेद से कत्थई तक चला जाता है। तो जमुनापारी का जो रंग है वो सफ़ेद से कत्थई होता है बेटा। देन उसके बाद इसके कानों की हम बात करें तो विशेष आप देखेंगे इसके जो ईयर होते हैं, कान होते काफ़ी लंबे होते हैं, जिनकी लंबाई चली जाती है 25 से 30 सेंटीमीटर। तो जमुनापारी बकरी के जो कान होते हैं वो 25 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई में चले जाते हैं, ठीक। और इसकी बहुत महत्वपूर्ण पहचान है रोमन नाक। आप इसकी नाक को ध्यान से देखोगे तो ये नाक जो आप देखोगे इस तरह से होती है, ठीक है। इसमें जो नोज होती है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको उठी हुई दिखाई देती है। तो आप ध्यान से देखोगे इसकी नाक को, इस वाले पोर्शन को बेटा, तो अलग ही वो उठी हुई आपको दिखाई दे रही है। तो इसके ये जो नोज वाला पोर्शन है पैरट माउथ की तरह हो जाता है, ठीक है, उठी हुई उभरी हुई दिखाई देता है। तो ये भी इसका एक विशेष कैरेक्टर है कि इसमें रोमन नाक पाई जाती है, और रोमन नाक को ही बोलते हैं पैरट माउथ, पैरट माउथ, ठीक है। और एक प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से कि जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान कहाँ से है, तो आप बता देना बेटा इटावा,
ये कहाँ से ओरिजिन हुई है, तो इटावा से ओरिजिन हुई है। अंग्रेजी वालों घबराना नहीं, दिल नहीं छोटा करना, ये सब लिखा है। जमुनापारी का ओरिजिन इटावा है। 2 to 3 kg मिल्क प्रोड्यूस करती है, जिसमें 4.5% फैट होता है। आल्सो यूज फॉर मीट प्रोडक्शन। इज ब्रीड्स वॉक टू स्ट्रॉल। इट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम इन रूरल एरिया, दैट्स वाई कॉल्ड रूरल गोट आर स्ट्रॉलिंग गोट। पुअर मैंस काउ, जमुनापारी बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। ऐसी बकरी जो गरीब के गाय के नाम से जानी जाती है, दैट इज़ जमुनापारी। ठीक। कलर वाइट ब्राउन टू चॉकलेट होता है। ईयर की लेंथ 25 to 30 cm होती है। बाकी लॉन्ग हेयर्स होते हैं एंड फिदर्स। 2 kids एक बार में 2 बच्चे को जनरली जन्म देती है। और इसमें जो रोमन नेज है वो पैरट माउथ पाया जाता है। आपसे कितने विशेषताएं, कितने कैरेक्टर पूछे जाएंगे? 2। ठीक है, तो 2 कोई से भी जो आपको अच्छे लगे याद रख लेना। मेरे हिसाब से एक तो रोमन नाक याद रख लो, और दूसरा भैया इसके कान की लंबाई याद रख लो। बहुत आसान है, रोमन नाक होती जमुनापारी में, कान की लंबाई भी आपको याद रहेगी। देन इसका एक विशेष फीचर है, इसके पिछले जो पैर होते हैं यहाँ पर फिदर्स पाए जाते हैं। फिदर्स इट मीन्स लंबे घने बाल पाए जाते हैं जमुनापारी में। अगली भैया पश्मीना या कश्मीरी। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान कश्मीर तिब्बत क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश को भी मान लिया जाता है। तो आप यहाँ पर यह सुंदर सी बकरी आपको देख रही है, कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? तो भैया ये आपको ही देख रही, सीधे पढ़ाई करते रहना। ठीक है, कश्मीरी देखिए ऊन वाली बकरी है। ठीक है, कश्मीरी आप क्या बात करें तो भैया ये ऊन वाली है, इससे ऊन अधिक मात्रा में मिलेगा। और कौन सा ऊन मिलता है? पश्मीना ऊन, जिसे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तो इससे 1.5 kg रेशा प्राप्त होता है। आपको एक विशेष कैरेक्टर याद रखना है, रंग भूरा कत्थई होता है। आप देख रहे हैं भूरे से कत्थई रंग की है। शरीर अत्यंत कठोर होता है, जिसमें 4 to 6 inch लंबे नर्म सफ़ेद रेशमी बाल ढके होता है। ये देखो भैया सफ़ेद रेशमी बालों से इसका शरीर ढका है। फिर उन बालों के नीचे नर्म बारीक रोए पाए जाते हैं, जिसे हम पश्मीना या मोहेयर कहते हैं। ठीक है, तो इस बकरी के जो बाल होते हैं, इन बाल के अंदर आप देखोगे तो इस तरह से बारीक नर्म रोए पाए जाते हैं, और इन नर्म रोए को ही हम कह देते भैया मोहेयर। ठीक है, और इसके रेशे का उपयोग करके पश्मीना साल बनाई जाती। तो पश्मीना बकरी की इतनी सारी विशेषताएं आपकी स्क्रीन पर है। जो भी आपको 2 अच्छी लगे, आपके अकॉर्डिंग सरलता के सुगमता के हिसाब से लिख सकते हो। मेरे हिसाब से तो पहला है, पश्मीना बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पश्मीना साल बनाने में होता है। दूसरा भैया ये पहाड़ी नस्ल की बकरी है, जिसके शरीर पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं, या इससे 1.5 kg तक ऊन प्राप्त होता है। तो आपका ये काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा बेटा। अंग्रेजी वालों घबराना नहीं, पूरा लिखा है पश्मीना या कश्मीरी के बारे में। ओरिजिन कश्मीरी तिब्बत हिमाचल प्रदेश। 1.5 kg फाइबर मिलता है इससे। कलर वाइट टू लाइट ब्राउन होता है। रफ हार्ड बॉडी होती है, जो कि 4 to 6 inch से ढकी होती है। उसके अंदर सिल्क हेयर पाए जाते हैं, जिनसे पश्मीना या मोहेयर बनता है। ठीक है, फाइबर आर यूज टू प्रिपेयर पश्मीना शॉल, पश्मीना ऊन बनाने के लिए किए जाते हैं। बाकी तो अगर पश्मीना ऊन को मिला दिया जाए तो अच्छी गुणवत्ता का ऊनी कपड़ा भी बनता है। तो आपको 2 कोई से भी अच्छी ट्रिक लगे, जो बातें लगे वो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा बर्बरी। ये गांव वाली नहीं है, शहर वाली है। इसका उत्पत्ति स्थान अलीगढ़ है, लेकिन कुछ लोग इसका उत्पत्ति स्थान पूर्वी अफ्रीका भी मानते हैं, और 12th standard में इसका आंसर यही माना जाता है। 1.5 to 2 kg ये मिल्क दे रही है। 4.5% इसमें फैट है। अब भैया शहर वाली है तो एक जगह खड़े होकर खाना पसंद करती है। अक्सर शहरों में आपने देखा होगा मेहसाना बिल्कुल बफेलो की है। ठीक है, पर बकरी में भी है बेटा। ठीक है, तो अक्सर शहरों में आपने लोगों को देखा बफेट सिस्टम, एक जगह खड़े होकर खाना पसंद करते हैं। तो यह शहर वाली है बेटा, तो ये भी एक जगह खड़े होकर खाना पसंद करती है, जिसको हम स्टॉल फीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बर्बरी देख रहे हैं, इसके घर में पाला जा सकता है, इसी कारण शहरों में आसानी से पाली जाती है, इसलिए इसको सिटी गोट कहते हैं बर्बरी को। विभिन्न रंग के तांबई सफ़ेद लाल धब्बे, देखो भैया विभिन्न रंग के तांबई सफ़ेद लाल धब्बे इसके शरीर पर देखने को मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तथा शरीर छोटा होता है, देखिए शरीर बहुत छोटा नाटा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, शरीर छोटा नाटा है। साथ ही कोणाकार होता है, ट्राइंगुलर शेप में होता है, कुछ इस तरह का शेप बनता है। उसके बाद नियमित प्रजनन, ये बहुत विशेषता है इसकी फेमस थी, कि इसमें नियमित प्रजनन पाया जाता है, और प्रतिवर्ष 2 बार ब्याती है, और हर बार में 2 बच्चे देती है। इस तरह से कुल कितनी बार देती है? 4 बार। PAT में ओरिजिन प्लेस कौन सा लगाना चाहिए? PAT में तो बेटा ये अलीगढ़ इटावा लगाते हैं, लेकिन
अगर इस तरह से देश आए तो फिर अपने को पूर्वी अफ्रीका लगाना है। चलिए, उसके बाद ये इसका एक फेसल जो अगर देखना चाहो स्पेशल बात क्या है बेटा इसमें, कि एक बार में दो बच्चे देती है और एक साल में दो बार भी आती है, मतलब एक साल में चार बच्चे दे देगी। और पहली बार ये 16 माह की उम्र में माँ बन जाती है। आप देख पा रहे होंगे इसके कान इरेक्ट रहते हैं, खड़े टाइप से, बिस्किट टाइप के, ठीक है, छोटी नाटी है, छोटे कद की है। चलिए आगे देखो, ये भैया पूरा अंग्रेजी में लिखा गया है, अलीगढ़ इटावा ईस्ट अफ्रीका इसका ओरिजिन है, फैट परसेंट 4.5 है, मिल्क प्रोडक्शन गिवन टू चाइल्ड इन अ पार्चुरेशन, एक बार में दो बच्चों को जन्म देती है। तो सारी जो कैरेक्टर्स है इसके, और सबसे बेस्ट कैरेक्टर इसका स्टैंडिंग, जिसको आप स्टॉल फीडिंग कहते हैं, सो इट्स कॉल्ड रेयर इन होम एंड दैट्स कॉल्ड इज सिटी गोट। तो शहरी बकरी है, बर्बरी, घरों में आसानी से शहरों में पाली जा सकती है, जिसका भरपूर तरीके से दूध उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखी बेटा महत्वपूर्ण नस्ल। अगली है ब्लैक बंगाल, आप देख ही पा रहे हो, कोई शक नहीं है, इतनी सुंदर नस्ल है, बिल्कुल ब्लैक ब्यूटी है। ब्लैक बंगाल मांस के लिए पाली जाती है मुख्यतः, इसका उत्पत्ति स्थान बंगाल और असम है। 14 से 15 किलोग्राम तक इससे स्वादिष्ट मांस मिलता है, लगभग 1.5 लीटर, सॉरी आधा लीटर दूध भी दे रही है, तो दूध भी थोड़ा ठीक ठाक दे रही है, आधा लीटर 500 ग्राम तक दूध भी दे रही है। और रंग तो बिल्कुल आपको चमक दिखाई दे रही है उसकी, कितनी शानदार उसकी चमक है चेहरे की, ठीक है भैया। तो ब्लैक बंगाल मांस के लिए पाली जाती है और ये बहुप्रसवी होती है, एक बार में दो तीन या चार बच्चों को भी जन्म दे सकती है। मादा और नर दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, इसका विशेष कैरेक्टर है। प्रथम व्यात पर उम्र 15 से 16 माह है और इसके सींग की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर है। इसकी खाल मुलायम होती है, वो अति मुलायम होने के कारण विदेशों में इसकी मांग होती है और इसके बालों से जूते बनाए जाते हैं। मतलब ब्लैक बंगाल का हर एक पार्ट यूजेबल है, चाहे इसका हेयर की बात हो उससे बाल बनाए जा रहे हैं, चाहे इसके चमड़े की बात हो, चाहे इसके मांस की बात हो, मतलब ब्लैक बंगाल टोटली यूज होती है भैया। बेटा एक पीक एक बार में ये मान के चलो ऑन एन एवरेज 10 से 12 तक चला जाता है, 16 तक चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ब्लैक बंगाल कम से कम 3 से 4 बच्चे दे सकती है एक बार में, या 2 से 3 बच्चे देती है, बहुप्रसवी है, ठीक है। कभी कभी ये भैया बहुप्रसवी मतलब एक साथ अधिक बच्चे दे देती, पीडीएफ डल जाएगी बेटा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। तो ये यहाँ पर हमने देखा ब्लैक बंगाल, यहाँ पर सारी बातें इंग्लिश में लिखी गई बेटा, इंग्लिश वाले घबराए नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक बंगाल के लिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, ठीक। ट्रिपल ट्विन्स एंड ट्रिपल्स देती है, मेल और फीमेल दोनों में बियर्ड पाया जाता है, दाढ़ी पाई जाती है। प्रथम ब्याह पर उम्र 15 16 माह है, सींग की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर है और यंग जो बकरी होती है वो 14 से 15 केजी आपको क्या देती है, मीट देती है, और 1.5 लीटर, सॉरी 1.5 आधा लीटर आपको ये क्या देती है भैया, दूध देती है। बाल से बेटा जूते बनते हैं ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल के जो हेयर है, ब्लैक बंगाल के जो हेयर है उनसे जूते बनाए जाते हैं। ये लिखा है शूज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर हेयर्स। बकरी की विदेशी नस्ल भी पूछी जाती है, तो दो नाम विदेशी नस्ल के पूछे जाए तो सानेन, अंगोरा, न्यूबियन, टोगनबर्ग, अल्पाइन। तो सानेन तो विदेश वाली है भैया, और अंगोरा भी याद रखना, ठीक है। अंगोरा जिसका अंग गोरा वो है सानेन, अरे जिसका अंग गोरा तो अंग का किनका गोरा होता है। विजेश कोई बात नहीं बेटा, नमस्ते, आप देख लेना बाद में, अंग गोरा विदेशी अंग गोरा है बेटा, याद रहेगा। और उसके साथ क्वीन है, रानी है, सानेन, इस ट्रिक से आप दो नाम याद रख लोगे विदेशी के, बाकी तो नाम अजीब ही है बेटा, सानेन, अंगोरा, न्यूबियन, टोगनबर्ग, अल्पाइन, विदेशियों के नाम भी अल्पाइन, कैसे लग रहे, विदेशी लग रहे ना, तो ये दो विदेशी हो गई। आओ भैया सानेन देखो कितनी सुंदर है। ओके डियर विजेश, दे आर नो प्रॉब्लम इफ यू लेट ज्वाइन क्लास, बेटा ये रिकॉर्ड होके आएगा तब इसको वॉच करना। बेटा गुलशन इसमें क्रॉप प्रोडक्शन 12th पूरा पढ़ा दिया गया है, मतलब पूरा, इट मीन्स 10th चैप्टर हो गए, और एनिमल में हम 9th चैप्टर पर आ गए बेटा। और आप MGCI के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आज इस सेशन में जितने बच्चे जुड़े हैं सबसे पहले बेटा आप सभी अपनी ईमानदारी से लाइक करो, और जितने ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन सब तक ये आप लिंक पहुँचा दीजिए, ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट बेटा, प्लीज़
प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर दो और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचा दो, ताकि सभी बच्चे इस कक्षा का लाभ लें और अपने आने वाली 12th बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट प्राप्त करें। बेटा लाइक करना है आपको, कमेंट में नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? वैसे मेरे बच्चों पे मुझे पूरा विश्वास है। बेटा रवि धाकड़ 34 में डायट में चांस है, जब काउंसलिंग होगी तब और क्लियर होगा। बेटा सबसे ज़्यादा मिलकर देने वाली कौन सी है? बेटा भारतीय नस्ल में आ जाए तो अपन को जमनापारी बताना है, और ओवरऑल पूछा जाए तो सानेन है। सानेन स्विट्जरलैंड, स से स याद रखना बेटा। सानेन कहाँ की रहने वाली? स्विट्जरलैंड की घाटी की रहने वाली है। 3 से 4 किलोग्राम दूध देती है और इसीलिए इसको मिल्क क्वीन कहते हैं। और इसका दुग्धावस्था का लैक्टेशन पीरियड 8 to 10 month है, और जो कि सबसे लंबा है। रंग सफ़ेद कोई शक नहीं है बेटा, रंग आप देख पा रहे हो इसका बिल्कुल वाइट है, ठीक है? मेरी लिखने की भी इच्छा नहीं हो रही, इतनी वाइट है, ठीक? इसलिए मैंने अलग लिखा है। कितनी सुंदर है, ठीक है? अब तुम ये गाना मत बनाना, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, तो कुछ नहीं करो, बस तुम तो पढ़ो भैया, ठीक है? ये इतनी सुंदर है तुम कुछ मत करो, तुम तो केवल पढ़ो, ये इसकी सुंदरता है, तुम्हारी नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, हिंदी की क्लास लगेगी बिल्कुल 6:30 बजे आज। इस क्लास के बाद हिंदी भी लगेगी और PCMB भी पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करो, ठीक है? चलो, तो ये इतनी सुंदर है, ये क्या करे? ये कुछ नहीं करे भैया, ये रानी है, कुछ नहीं करेगी। रंग सफ़ेद है, बिस्कुटी कान है, देखो कान बिस्कुट की तरह छोटे छोटे से, इस तरह से इनको बोलते बिस्कुटी कान, ठीक है? बिस्कुटी कान है, और काले धब्बे पाए जाते नाक और आयन पर। इसके जो नोज़ है, यहाँ पर अगर आप देखो, इसके भैया नोज़ पर, नाक पर और आयन पर इस तरह से काले धब्बे दिखाई देते हैं, इसके नोज़ और आयन पर। साथ ही कान छोटे, सॉरी आयन पर काले धब्बे, ऊपर की ओर उठे हुए छोटे और सीधे कान। देखो ऊपर की ओर उठे हुए छोटे सीधे कान आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और शरीर कोणाकार होता है, कभी कभी उभयलिंगी बच्चे देती है। तो रानी है बेटा, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है, रंग सफ़ेद है, ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो इसमें। सानेन के बारे में ये सारी बातें लिखिए। स्विट्जरलैंड ओरिजिन है, मिल्क क्वीन है, 3 to 4 kg पर डे मिल्क देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो 8 to 10 month होता है। कलर इसका वाइट है, बिस्कुटी एयर है। इतनी बातें पर्याप्त है, क्योंकि आपको 2 नंबर में सिर्फ 3-4 पॉइंट लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। बेटा एग्रीकल्चर साइंस में PCMB की अगर बात कर रहे हो तो उसकी क्लासेस भी यहीं पर चलेगी कुछ समय के पश्चात। अभी हमारा एनिमल हिंदी चल रहा है, उसके बाद PCMB भी चलेगा बेटा। अगली नस्ल है अंगोरा, जिसका अंग है गोरा, ठीक है भैया? तो ये मध्य एशिया की रहने वाली है, 2 किलोग्राम मोहेयर देती है। भैया ऊन दे रहा है, देखो ये बकरी है आप देख पा रहे हो, पर भेड़ जैसी दिखती है। रंग सफ़ेद आप देख रहे हैं, छोटा आकार, शरीर गुच्छेदार, चिकने बालों से ढका हुआ, जिनकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर। इसके जो बाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये 13 से 15 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, ठीक? और इसे व्यापारिक बकरी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यापारिक बकरी के नाम से जाना जाता है अंगोरा को, ठीक है? क्योंकि इसके ऊनों का व्यापार काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए इसको व्यापारिक गोट, कमर्शियल गोट के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें अंग्रेज लोगों के लिए भी लिखी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आना है, और ऑब्जेक्टिव 3 आने हैं। क्वेश्चन तो 2 ही नंबर का आना था, लेकिन ऑब्जेक्टिव 3 आने हैं। बताओ बेटा प्रश्न के उत्तर। गणेश एग्रीकल्चर की BSc लेवल की क्लास के लिए आपको MGCI ने अभी बैच चालू की बेटा, RHO की, उसमें आप जोड़ सकते हो। गणेश इस नंबर पर संपर्क कर लेना आप, तो आपको इसकी पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है बेटा गणेश, चलिए। तो बकरी की बोझा ढोने वाली, आपको यहाँ पर ऐसी ब्रीड का नाम बताना बेटा जो बर्डन, बोझा ड्रॉट, सॉरी वेट लिफ्टिंग का काम करती है। तो बोझा ढोने वाली कौन है बेटा? अभी हमने पढ़ा था, 2 है, गद्दी और चंबा, बिल्कुल सही जवाब। निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी? अंगोरा, न्यूबियन, सानेन। चलो बताओ जल्दी से, विदेश वाली कौन सी है? उभयलिंगी क्या होता है बेटा? ऐसा ऑर्गन या ऐसा जीव जिसमें दोनों ऑर्गन मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ऐसी कंडीशन जहां मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं उभयलिंगी, ठीक है? चलिए एग्रीकल्चर का रिजल्ट क्या पूछ रहा है बेटा, चलो जान दो अभी, इधर पढ़ो।
विदेशी कौन सी बेटा? तो ये सारी की सारी विदेशी है, अंगोरा, न्यूबियन, सानेन। चलिए अब यहां पर एक्चुअल में जो अंगोरा है, न्यूबियन है और सानिन, तीनों तीनों विदेश की रहने वाली, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। बहुत बढ़िया। जमनापारी बकरी का उत्पत्ति स्थान, अभी हमने पढ़ा ओरिजिन ट्रेक ऑफ जमनापारी, तो जमनापारी कहाँ की रहने वाली बेटा? जल्दी से बताएंगे, जमनापारी कहाँ की रहने वाली है? बहुत बढ़िया, दैट इज इटावा, इटावा चंबल डिस्ट्रिक्ट की। शहरी बकरी के नाम से किसको जाना जाता है जरा बताओ जल्दी से, शहरी बकरी के नाम से किसको जाना जा रहा है? शहर वाली कौन है बेटा? दैट इज बर्बरी। वेरी गुड, बहुत सही है। बकरी की नस्ल का मूल स्थान तिब्बत है, तिब्बत की रहने वाली कौन है? टिगेन, अंगोरा, सानेन, मराड़ी। बताओ भैया, सानेन तो स्विट्जरलैंड की है, मराड़ी तो कोई होती नहीं, टिगेन कोई होती नहीं, अब बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, दैट इज अंगोरा। विश्व में दूध की रानी, क्वीन ऑफ मिल्क इन वर्ल्ड, क्वीन ऑफ मिल्क इन वर्ल्ड, क्वीन ऑफ मिल्क इन वर्ल्ड, दैट इज सानेन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप सभी का सही जवाब है बेटा। अर्जुन, सत्यम, गौरव, एग्रीकल्चर, विक्रम, अनमोल। वेरी गुड बेटा, वेल डन, सभी का सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? फरह मखदूम, बिलासपुर, आगरा। तो भैया बकरियों पर अनुसंधान कहाँ हो रहा है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, अभि पटेल, हर्ष, ऋतिक, एग्रीकल्चर, भगवान सिंह, अनुपमा, सत्यम, उषा, अर्जुन, गौरव। बहुत बढ़िया, तो यह है बेटा फरह मखदूम, मथुरा, और मथुरा कहाँ आता है बेटा? यूपी में आता है, तो बकरियों पर अनुसंधान हो रहा है मथुरा में। एक वर्ष में दो बार बच्चे देने वाले, द ब्रीड गोट दैट गिव्स बर्थ ट्वाइस इन ईयर, ऐसी नस्ल जो एक बार में दो बार बच्चे को जन्म देती है और कुल चार बच्चे देती है, तो भैया वो कौन सी है? वो है शहर वाली, मतलब बर्बरी। बकरी की द्विकाजी नस्ल आपको यहाँ पर बताना बेटा, तो बकरी की जो द्विकाजी नस्ल है वो है जमनापारी, क्योंकि कश्मीरी ऊन वाली है गद्दी और चंबा तो भाड़ वाली है। पश्मीना प्राप्त होता गाय से, भैंस से, बकरी से, भेड़ से, तो भैया पश्मीना आप किसको किससे ऑब्टेन करते हो? दैट इज गोट। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितनी थ्योरी पढ़ी उस थ्योरी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो मैं आपको यहाँ पर बता दिए। वेरी गुड, आप सभी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके लिए आंसर की भी यहाँ पर रेडी है। चलिए अब बताओ, सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल, द हाइएस्ट मिल्क यील्डिंग ब्रीड इन इंडिया। चलिए, बीएससी एग्रीकल्चर लेवल की क्लास बिल्कुल चलती है गुलशन खान, इसके लिए आपको जो नंबर दिए उस पर संपर्क करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट इज जमुना पारी। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, जमुना पारी। ये भैया हो गई आपकी इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। गोट ब्रीड इज कॉल्ड क्वीन ऑफ मिल्क, तो दूध की रानी कौन है? तो सानेन है। गरीब की गाय किसको कहा जाता है? बकरी को। और बकरी की भी किस नस्लों को कहा जाता है? तो बकरी की वह नस्ल है बेटा जमुना पारी। चलिए वेरी गुड, पश्मीना एवं चंबा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है, जो पश्मीना है और चंबा है इनसे क्या प्राप्त होता है बेटा? पश्मीना और चंबा से क्या प्राप्त होता है जल्दी से बताएं आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर देना है। पश्मीना और चंबा से आपको क्या प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इनसे प्राप्त हो रहा है पश्मीना ऊन। ठीक है, चलिए अगली बात है बेटा, बकरियों में जान बीमारी ब्रुसोलिस की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त टेस्ट है, तो इनके लिए एक टेस्ट लगाया जा रहा है बेटा, कौन सी बीमारी के लिए? तो जान बीमारी के लिए, तो वो जान बीमारी के लिए जो टेस्ट लगाया जा रहा है उस टेस्ट का नाम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बकरियों में एक बीमारी हो रही है जॉन बीमारी, जिसको जॉन डिसीज कहा गया है, इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो इसके लिए एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा परीक्षण या एलिजा टेस्ट होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा, बकरियों से प्रति वर्ष लगभग मेट्रिक टन खाद प्राप्त होती है, तो बकरियों से लगभग प्रति टन
मेट्रिक टन जो खाद प्राप्त होती है आपको 90,000 होता बेटा, ठीक है, 3-0 है। बकरी का गर्भकाल जनरली कितने दिन का होता है? तो 145 से लेकर तो 153 डेज का होता है। फिर गोट्स गेस्टेशन पीरियड हमने देख लिया। पश्मीना ऑप्टेंड फ्रॉम किस बकरी से मिलता है? पश्मीना तो ये कश्मीरी बकरी से मिलता है, और कश्मीरी बकरी को ही चंग थांगी भी कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है और उसकी आंसर की भी आपके सामने बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी ने सही उत्तर दिया, वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बरी बकरी का जो गर्भकाल है वो 145 दिन का है। अब यहाँ पर अपने को ट्रू फॉल्स बताना है, तो ये कथन आपका बिल्कुल ट्रू है, पहला वाला। अंगोरा नामक बकरी से प्राप्त बाल को मोहर कहते हैं, जो दरी कंबल बनाने के काम में आते। दूसरा क्या बेटा? चलिए, दूसरे का उत्तर बताइए। पहला तो ट्रू है, सेकंड नंबर क्या बेटा, जल्दी से बताइए। सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है ये क्या बेटा? तो ये भी क्या है? ट्रू है। बहुत बढ़िया, ठीक है। उषा, अभी, ऋतिक, सत्यम, अभिषेक, अनुपमा, भुवनेश, चलो वेल डन। जमुनापारी बर्बरी द्विकाजी नस्ल है, बिल्कुल सही है, यह दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है। बकरियों में रेंडर पेस्ट बीमारी की रोकथाम के लिए पर्याप्त सफलता मिलती है। कंसिडर्ड सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन द प्रिवेंशन रेंडर पेस्ट डिसीज इन गोट्स। तो बकरियों में रेंडर पेस्ट आसानी से रोका जा सकता है, ट्रू है। बकरियों में ई कोलाई संक्रमण से डायरिया होता है, तो बकरियों में ई कोलाई से डायरिया होता है, यह भी सत्य है बेटा। पश्मीना कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है, तो ये भी सत्य है। मतलब आज हमने जितने भी स्टेटमेंट देखे बकरी के, वो सारे के सारे क्या निकल गए भैया? सत्य है। क्लियर बात? चलिए, वेरी गुड, वेल डन सुमित, अभिषेक, कुलदीप, सत्यम, चलिए वेल डन। MPPET का रिजल्ट बेटा 1 सप्ताह तक आना चाहिए, अब वो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में पढ़ना है, तुम पढ़ो बस अभी। सब ने बना दी जोड़ी, तुम भी बनाओ बेटा जोड़ी। गंजम, चेंगू और मालाबारी, ये भैया किस तरह की नस्ल हो रही? गंजम, चेंगू और मालाबारी, तो ये हो रही भैया आपकी मांस के लिए, ठीक है, तो ये आप इसको मांस के लिए पालते हो। फिर पश्मीना ऊन, ये ऊन देने वाली हो जाएगी। सानेन और न्यूबियन, ये किसके लिए पाली गई बेटा? तो सानेन और न्यूबियन दूध के लिए है। मारवाड़ी और सुरती, ठीक है, मारवाड़ी और सुरती की अगर बात करें, सॉरी, सानेन और न्यूबियन की बात की जाए तो ये बकरी की विदेशी नस्ल है, और मारवाड़ी और सुरती दूध के लिए आप लगा दो, और शहरी बकरी के लिए आप किसको लगा दोगे? बर्बरी को। तो इस तरह से आपका ये मेज द कॉलम बन गया, ठीक है। चलिए, ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट बकरी पालन में बेटा? अब आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, उत्तर आपके सामने लिखे हैं बेटा। भारतीय बकरी जमुनापारी और मिस्र की जो न्यूबियन है, इनके क्रॉस से एक नस्ल तैयार की गई जिसको बोला गया एंग्लो न्यूबियन। तो एक ऐसी नस्ल है बकरी की, संकर नस्ल है, आपको ध्यान देना बेटा, संकर नस्लों को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। तो बकरी की ऐसी नस्ल जो संकर नस्ल के नाम से जानी जाती है। अब आप भली बात ही समझते हो, दो लोगों को मिलाएगा तीसरा उत्पत्ति होगा, तो यहाँ भी दो लोगों को मिलाया और तीसरे की उत्पत्ति होगी, और जो तीसरा निकल कर प्रोडक्ट आया उसको हमने क्रॉस ब्रीड या संकर नस्ल के नाम से जाना। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड फ्रॉम वेयर? दैट इज फरह मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ऐसा हमने पहले भी देखा। PPT डल जाएगी बेटा, चिंता नहीं करो। नेक्स्ट है, बर्बरी बकरी प्रतिदिन कितना दूध देती है? तो 1 से 1.5 लीटर या KG पर डे, ठीक है बेटा। तो आज हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया, और इससे आपके जो 5 मार्क्स आने वाले हैं उस पे स्टार लगा लो, कंप्लीट हो गए। अगर आपने इतना पढ़ लिया आज जो पढ़ा है, ठीक है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिंक आप शेयर कर दो, लगभग 30 से अधिक बच्चे जुड़े हुए क्लास में, सभी के सभी बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिंक शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको फैलाएं ताकि वो इसका लाभ ले सके, ठीक है बच्चों। तो हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।